आप अमेठी में क्या हालत है उससे ज्यादा कुछ जानेगा। बस हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करने के लिए, उनकी परेशानी को बढ़ाने के लिए, उनको जॉब खाने के लिए, उनको इस तरह से तंग करने के लिए है वो सर। हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम पूरी तरीके से आवाज उठा सकते हैं, हमें कारण बताओ कि हमें क्यों रोका जा रहा है। 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हर सर्दियों के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, इस साल भी सर्दियों के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यूथ कांग्रेस ऑफिस। यहाँ पर लगातार जो है महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए थे, उसके बाद अब अनाज, आटा, दूध, दही पर भी GST लग गया है। जी हाँ, उसी के चलते यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो भीड़ उमड़ी है, ये यूथ कांग्रेस की भीड़ उमड़ी है और यहाँ लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है महंगाई को लेकर, GST को लेकर। अभी कुछ लोगों के बीच में जाती हूँ, बात करते हैं क्या कुछ है। तो क्या कुछ है मैडम यहाँ पर आप जो है प्रदर्शन कर रही है यूथ कांग्रेस के अंदर? जी, जिस तरह से GST बढ़ाया जा रहा है हर चीज़ों पे, राशन में और कई सारी चीज़ों में ही देखा जाए तो पैसे बढ़ गए हैं। जो एक गरीब इंसान है, जो नॉर्मल फैमिली से आता है, मुझे नहीं लगता कि वो अफोर्ड कर सकेगा ये सारी चीज़ें। और LPG का, जो गैस का, उसका भी रेट बढ़ता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, और मैं भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इस सारी चीज़ों का जवाब मोदी जी को देना होगा। तो अभी आपका सामने आप देख सकते हैं पोस्टर, शेर आया रोजगार खाया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर, करोड़ों नौकरियों का किया सफाया। मैडम, शेर जो कहा जा रहा है, किसको शेर कहा जा रहा है? आप समझदार हो मुझसे ज्यादा और आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे साफ साफ यही हमने बताया है कि जिस तरह से मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे, ये वो बहुत सारे बातें किए थे, और आज सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए, उनके सारे लोगों के जॉब खा गए और वो सीधा सीधा हम मोदी जी को ही कह रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं अंडमान से हूँ। अंडमान से आई हैं आप यहाँ पर धरना देने के लिए? जी। लेकिन ये धरना रोड़ों पर ना निकल के एक यूथ कांग्रेस के ऑफिस में होता है? मैं समझी नहीं। ये धरना आपका प्रदर्शन है वो रोड़ों पर ना होकर के एक यूथ कांग्रेस के ऑफिस के अंदर ही होता है। पुलिस को आगे, हम हमारे आगे लाके, हमसे जो एक तरह से हम कह सकते हैं पुलिस भी डर रही है, सारे लोग डर रहे हैं, और यूथ कांग्रेस में ही हम लोगों को रोक दिया जा रहा है और हम लोगों को बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। और इसी से पता चलता है कि मोदी सरकार डरती है यूथ कांग्रेस से, कांग्रेस पार्टी से डरती है, ये साफ साफ इसका सबूत है। आपके जितने भी प्रदर्शन होने वाले होते हैं पहले से बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, पहले से किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसा क्यों? यही तो मैं बता रही हूँ ना, सरकार से डर रही है मोदी सरकार, हम लोगों से डर रही है, तभी हमारे, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि यूथ कांग्रेस के ऑफिस में हमें अंदर ही बंद कर दिया गया था। ये SEC में जो पिछली बार आपने देखा था, अंदर घुस के लोगों को मार रहे थे, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुई है। और ये चीज का सबूत है कि वो मोदी सरकार हम लोगों से डर रही है और इसीलिए हमें प्रोटेस्ट करने ही नहीं दे रही है, वो चाहती ही नहीं कि आवाज बाहर आए और पहले ही उनको बंद कर दिया। विपक्ष तो जो है वो लगातार दिखता ही नहीं है, किसी मुद्दों को लेकर दिखता ही नहीं है, कहीं सामने आता ही नहीं है विपक्ष, वो तो हमेशा से ही गायब रहा है। सिर्फ जो बोल सकते हैं कि लोगों को परेशान करने के लिए ही आगे आया है, और कभी वो किसी का हेल्प करने के लिए या किसी का मदद करने के लिए तो मुझे कभी दिखाई नहीं दे रहा, और ना वो कभी आएंगे। बस हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करने के लिए, उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए, उनको जॉब खाने के लिए, उनको इस तरह से तंग करने के लिए है वो सरकार। मोदी जी तो सही काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां सही है। क्या काम कर रहे हैं आप, मुझे एक पॉइंट बता दीजिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी महिलाएं भी मौजूद है, महंगाई को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। मैम क्या नाम है आपका? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा शर्मा है। तो महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आपको हम हर चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमें प्रदर्शन करने के लिए रोक रहे हैं, हमारी गलती क्या है? हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम पूरी तरीके से आवाज उठा सकते हैं, हमें कारण बताओ कि हमें क्यों रोका जा रहा है। आवाज मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया है, जो ये सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स है, इनसे ही थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है। भाई मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, मीडिया वाले कह रहे हैं। कहाँ डंका बज रहा है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ तो उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए जमीन पर आ जाते हैं। ये डंका है क्या? अग्निपथ के नाम पे देश के युवाओं को झोंका जा रहा है अग्नि के अंदर। अग्निपथ तो बंद
हो चुका है। कहाँ पर युवाओं का मौका है अग्निपथ? अगर आप मीडिया दिखाना बंद कर देगी इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन बंद हो चुके हैं। आज भी युवाओं के अंदर आक्रोश है और आप देखिए, देखिएगा भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़े होने जा रहा है। 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हर सर्दियों के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। इस साल भी सर्दियों के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा भी बड़ी अपनी तैयारी कर रहा है, विपक्ष भी सड़कों के ऊपर आ चुका है, संसद के अंदर भी विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। आप बड़े आंदोलन की बात करते हैं, बड़ा आंदोलन होता जरूर है, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। क्यों नहीं निकला? सबसे बड़ा अभी आपके पास उदाहरण है किसान आंदोलन, कृषि कानून वापस हुए या नहीं हुए? 2014 के अंदर ये जमीन भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए थे, राहुल गांधी जी ने उनका विरोध किया, क्या वो वापस हुआ या नहीं हुआ? हर इनको अपनी नीति के ऊपर पीछे हटना पड़ेगा, कोई भी तानाशाह हो उसको पीछे हटना पड़ता है। तो मोदी एक पूर्णतः तानाशाह है, हिटलर का जैसा है, फासिज्म और नाजीज्म यहाँ आने लग रहा है। लेकिन लेकिन भाई साहब स्मृति ईरानी कर रही है, देश में सब खुशहाल चल रहा है। अमेठी का हूँ जी, मुझसे ज्यादा आप नहीं जानेंगे जी। वो आई थी, बोली थी 13 रुपए किलो चीनी देंगी। अच्छा, उसका वीडियो अगर आप चाहेंगे आप मंगवा दूंगा मैं, ठीक है, लेकिन 13 किलो चीनी मिला नहीं। और बात रही आप अमेठी में क्या हालत है, मुझसे ज्यादा कोई जानेगा नहीं। स्मृति ईरानी कार्य पूरे देश में खुशहाल है मोदी जी के शासन काल में। पहले अमेठी देख लेना, अमेठी कैसा है। अच्छा, पूरा देश छोड़ दीजिए, अमेठी से आती नहीं है ना मिलने ना कुछ। आ जाएंगी बस। वो तो राहुल गांधी को भी हरा दिए भाई चुनाव में 19 में भाई साहब। वो तो झांसा सब लोग फंस गए थे उनके, क्या नाम है, झांसा में कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे।